एक तरफ देश राइट टू रिजेक्ट पर बात कर रहा है, एक तरफ देश नन नन ऑफ द एबो पे बात, NOTA पे यानी नोटा पे बात कर रहा है, एक तरफ देश 5 साल से पहले विड्रॉल राइट्स पर भी बात कर रहा है, और वहां यही देश इस पर भी बात करता है कि लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन ठीक नहीं है, लोकतंत्र की विपरीत है। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है। लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र की एक तरह से सबसे बड़ी खूबसूरती अगर कोई है तो वो असहमति है। तो धरना और प्रदर्शन को आपने सिर्फ भौतिक रूप से देखा, उसकी आत्मिक रूप से देखने की आवश्यकता है। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि धरना प्रदर्शनों की आड़ में बहुत राजनीति हो रही है, और राजनीति यानी नकारात्मक राजनीति, राजनीति होने से कोई बुराई नहीं है, नकारात्मक राजनीति हो रही है इसमें कोई शंका नहीं है। धरना प्रदर्शन की वास्तविक जो उद्देश्य होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के राजनीतिक ख्वाब होते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। परंतु इन सब के बावजूद ये कहना पड़ेगा कि धरना और प्रदर्शन के अधिकार असहमति के अधिकार है। जब हम असहमति के अधिकार की बात करते हैं, जब हम किसी को वोट में रिजेक्ट करने की बात करते हैं, हम जब किसी चुनाव में हम नोटा की बात करते हैं, तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि धरना और प्रदर्शन जो है लोकतांत्रिक नहीं है। यह अलहदा बात है कि इनके उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग में भेद और विभेद हो सकता है, परंतु मौलिक रूप से असहमति का अधिकार ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी आत्मा है। लोकतंत्र में यही होता है कि 5 साल में कोई किसी से सहमत होता है, फिर 5 साल बाद उसी व्यक्ति, उसी विचारधारा, उसी पार्टी से वही व्यक्ति फिर असहमत हो सकता है। ये कोई ऑप्टेड, ये कोई भाग्य से मिली चीज नहीं है, ये ऑप्टेड है। आप ऑप्ट कर सकते हैं, किसी को चुन सकते हैं। ये कोई एनआरसी नहीं है, एनआरकी नहीं है, ये कोई राजशाही नहीं है जहां पर कि आपने आपके भाग्य में जैसा राजा पड़ गया वैसा ही राजा जीवन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर इसके साथ इस तरह से छलावा हुआ और इस तरह से इसके साथ बात की जा रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हद तक ये फैसला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, और सुप्रीम कोर्ट इसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बहुत शीघ्र इसको बदल देगा। दूसरी बात है कॉलेज में प्रदर्शन, कॉलेज में लोग पढ़ने आए छात्र, प्रदर्शन राजनीति करने नहीं, तो ये तो बहुत गलत बात है। हमारे पास देश के अंदर दुनिया में प्रबंधन के कॉलेज हैं, डॉक्टर बनने के कॉलेज हैं, इंजीनियर बनने के कॉलेज हैं, इवन हम मजदूर भी बनाते हैं। हमारे बहुत सारे कॉलेज मजदूर तो बहुत बड़े बहुत सारे कॉलेज बनाते हैं, हजारों कॉलेज मजदूर बनाते हैं, लेकिन राजनीति का कोई कॉलेज नहीं बनाता। हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीति विज्ञान में हम व्यवहारिक राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ते। हम राजनीतिक अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं, हम व्यवहारिक राजनीति को नहीं पढ़ते। तो हमें व्यवहारिक राजनीति को पढ़ने की आवश्यकता, और व्यवहारिक राजनीति तभी पढ़ी जा सकती है जब कॉलेज में बोलने की आजादी रहे। बोलने की आजादी यानी कि राजनीति करना चाहिए, छात्र संघ के चुनाव नियमित होने चाहिए, और कॉलेज में राजनीति होनी ही चाहिए। राजनीति के बिना कोई भी महाविद्यालय एक परिपूर्ण नहीं हो सकता, वो एक कोई प्राइमरी क्लास नहीं है। कॉलेजों को जो जिस तरह से हमने बना रखा है, कोई वो प्राइमरी क्लास नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई एग्जाम की दौड़ नहीं होती, वो एक मनुष्य की दौड़ होती, मनुष्य निर्माण की दौड़ होती, एक पूरी परिपूर्णता की दौड़ होती है। परिपूर्णता कब होगी? जब आप स्वयं निर्णय ले सकें, जब आप स्वयं बात कर सकेंगे, जब स्वयं आप अपने विवेक से चीजों को तय कर सकेंगे, तभी तो आप परिपूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। एक मशीन की तरह नहीं है। देखिए, आप बीएड में पढ़ाया जाता है कि ऐसे आप विद्यार्थी को पढ़ाएं, उद्देश्य ये होगा, क्लासरूम ऐसा होगा, ये तौर तरीके होंगे, लेकिन कॉलेज में वो तौर तरीके नहीं चल सकते कि ओपन योर माउथ, ये नहीं होता। कॉलेज कॉलेज जो होता है एक परिपूर्णता की, एक वयस्क विद्यार्थियों का वहां पर गढ़ होता है, वयस्क विद्यार्थी होते हैं, उनको देखने, उनको आजादी होनी चाहिए इस तरह की, वो क्या निर्णय ले। मैं दूसरी आजादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आजादियों का अर्थ गलत नहीं लिया जाना चाहिए। आजादी का तात्पर्य है एक ऐसे मनुष्य का निर्माण वहां किया जा सके जो मनुष्य अपने मौलिक आकार में आगे बढ़ सके। आज लघुत्तम इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।